नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। जिला सिरमौर का श्री रेणुका जी मेला शुरू हो गया है। मेले का विधिवत शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। क्या खास रहा इस बार मेले में, देखिए सिरमौर न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। माँ बेटे के मिलन के प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आज विधिवत आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परंपरानुसार देव पालकी को कंधा देकर 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ददाहू स्कूल ग्राउंड से देव पालकियों को कंधा देकर देव पालकियों को मेला स्थल के लिए रवाना किया। इस दौरान पारंपरिक ढोल नगाड़ों की धुनों पर भगवान परशुराम और माता रेणुका जी के जयकारों से पूरी रेणुका घाटी गूंज उठी। मीडिया से बात करते हुए और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला व प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले की बधाइयां दी और कहा कि रेणुका जी मेला एक ऐतिहासिक मेला है और कई वर्षों से इस मेले का आयोजन होता रहा है। उन्होंने कहा कि परंपरा अनुसार हर वर्ष रेणुका जी मेले का आयोजन किया जाता है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई है कि कोविड-19 से बाहर निकलते हुए अब इस तरह के आयोजन होना शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक मेले के आयोजन के लिए सरकार ने पूरे प्रदेश में अनुमति दी है, क्योंकि कोविड-19 के कारण इससे पहले प्रदेश भर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी देवताओं के आशीर्वाद से जल्द हिमाचल प्रदेश कोरोना मुक्त होकर प्रगति राह पर आगे बढ़ेगा। आज हमारा बहुत ही ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मेला माँ रेणुका जी का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर मैं सभी हिमाचल वासियों को और विशेष तौर से रेणुका वासियों को, सिरमौर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये मेला वर्षों से हम मनाते हैं और इसको मनाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी लंबी पुरानी जो इतिहास की और संस्कृति की जो मिसाल है उसको कायम रखने के लिए इस मेले का आयोजन हम हर वर्ष करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कोविड के दौर से हम धीरे धीरे अब बाहर निकल रहे हैं और उस दौर से बाहर निकलते हुए इस प्रकार के आयोजन को अभी हमने छूट दी है, क्योंकि पहले कोविड के चलते हमको हिमाचल प्रदेश में सभी इस प्रकार के मेले जो ऐतिहासिक हैं, जिनकी सांस्कृतिक दृष्टि से उनका एक बहुत बड़ा महत्व है, उनको मनाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस थी कुछ, तो वो रिस्ट्रिक्शंस अब हटाई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि माँ रेणुका जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा और हम इस कोविड के दौर से भी बाहर निकलेंगे और हिमाचल प्रदेश में प्रगति की राह पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। गौरतलब है कि परंपरा अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ दशमी के दिन मुख्यमंत्री द्वारा जबकि समापन पूर्णिमा के दिन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। दशमी के दिन भगवान परशुराम अपनी माता और रेणुका से मिलने रेणुका जी पहुँचते हैं। बोलो विकेट महाराज।
अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज़।